बहुत ध्यान से देखना। तो मेरे पास यहां पर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लो, कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन और टेम्पोरल एक्सेलेरेशन। हालांकि ये जो मैंने आपको टेबल बनाई है ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में ज्यादातर पूछी जाती है ना। तो मैंने कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन बता दिया, ये एक्सेलेरेशन कब मिलता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये मैंने अभी अभी आपको बताया। और टेम्पोरल एक्सेलेरेशन कब मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कराने में, ठीक है। चलिए पहला देखिए फ्लो क्या है। पहला है स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्टडी का मतलब ये होता है कि फ्लूड प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात बताओ, कोई चीज यदि कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो कह सकते हो कि स्टडी फ्लो के लिए हमेशा वो जो टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपने ट्राया था ना, ये वाला टर्म पहले मैं इसको डिलीट कर दूं, बार बार बीच में डिस्टर्ब पड़ेगा। तो टाइम के सापेक्ष ये जो डिफरेंशिएशन ट्राया था आपने, डेवर यू अपॉन डेवर टी, जीरो हो जाएगा अगर फ्लो स्टडी है तो। और फ्लो यूनिफॉर्म है तो ये, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि फ्लूड प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो अगर फ्लूड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू जीरो। तो स्टडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलेरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन जीरो होता है, ठीक है। चलिए फिर अब टेबल बढ़ते। तो स्टडी फ्लो है तो लोकल एक्सेलेरेशन या टेम्पोरल एक्सेलेरेशन, अच्छा टेम्पोरल का नाम ही लोकल होता है, मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया। तो स्टडी फ्लो है तो लोकल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यूनिफॉर्म भी है तो कन्वेक्टिव भी जीरो, दोनों जीरो होंगे। स्टडी फ्लो है तो लोकल एक्सेलेरेशन जीरो, लोकल एक्सेलेरेशन जीरो। लेकिन देखिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है भैया, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कह सकते हो एक्स वाई जेड उसमें होगा तो ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सर ये पैरामीटर मेरा एडजस्ट करेगा है। अनस्टडी मतलब टाइम के सापेक्ष फ्लूइड प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, मतलब टाइम नहीं होगा फंक्शन में, तो टाइम होगा तभी चेंज होगी, तो टाइम होगा तो वो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, तो ये कह सकते हो एडजस्ट करेगा। और यूनिफॉर्म है तो कन्वेक्टिव जीरो। अनस्टडी है तो फिर से टेम्पोरल एक्सेलेरेशन एडजस्ट करेगा, और कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म है तो ये भी मेरा एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो आप सब लोग ये टेबल जरूर समझ में आई होगी, बहुत आराम से आपको समझ आ जा सकता है इस टेबल को। अब मैं एक काम करता हूं कि ये जो यहां पर स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, कई बार इसको यहां बना देता है, ये इधर ऐसे करके टेबल बना दी जाती है ना, मैचिंग के क्वेश्चन बना दी। स्टडी फ्लो को लिखा जाता है कि कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज, क्योंकि स्टडी फ्लो है। और यूनिफॉर्म फ्लो को लिखा जा सकता है कि यूनिफॉर्म पाइप या पाइप का डायमीटर कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार यह लाइन लिखी होती है कि स्टडी फ्लो तब मिलता है जब डिस्चार्ज यूनिफॉर्म होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है और डायमीटर कांस्टेंट होता है, तब यूनिफॉर्म फ्लो मिलता है, ठीक है। आगे देखिए स्टडी का मतलब हो गया फिर से वही सेम चीज, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज। लेकिन आगे लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि डायमीटर जो है वो आपका वेरी करेगा। भाई डायमीटर जब पाइप का बदलेगा तभी तो फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अनस्टडी मतलब डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा, तो जो डिस्चार्ज होगा वो वेरिएबल होगा, वेरी डिस्चार्ज बदलेगा। और यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि डायमीटर कांस्टेंट होगा। और उसी तरह से कह सकते हो अनस्टडी मतलब वेरिएबल डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म है तो डायमीटर भी आपका वेरी करेगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि कई बार जो है ये डायरेक्ट नाम दे दिए जाते स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, और कई बार इनके कह सकते हो कि अंदर की जो कहानियां थी वो देकर आपसे ये मैचिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट बेहद इजी है, पॉइंट बस इतना सा है कि जब भी तभी आपका स्टडी फ्लो होगा तो लोकल एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो कन्वेक्टिव जीरो होंगे, और बाकी उल्टे होंगे तो कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है।
चलिए फिर ये बात आप सबको समझ में आ रही है, देखते हैं अगली स्लाइड क्या है, नोट कर लीजिए जरा। हाँ भाई अगली स्लाइड में मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो आपने अभी बातें समझी। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं लगाना। लिखा हुआ है द वेलोसिटी वेक्टर इन अ फ्लूइड फ्लो इज डिवन बाई वी इक्वल टू 4x³ आई कैट माइनस 10x² वाई प्लस 2t के कैट, और आगे लिखा हुआ है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिस पॉइंट एंड टाइम टी इक्वल। तो मैं डायरेक्ट ही इस वेलोसिटी के वेक्टर फॉर्म से मैं यू वी डब्ल्यू निकाल लेता हूं। यू का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वी होता है वाई डायरेक्शन की, और जेड होता है हमारा कह सकते हो कि मतलब आगे वाला डब्ल्यू होता है जेड डायरेक्शन की। तो यहां से अगर यू देखा जाए कि बताओ जरा सर यू कितना है, तो आई का कंपोनेंट देख लो, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ तो आई का कंपोनेंट देख लो, तो आई का कंपोनेंट देखा जाए तो 4x³, तो आप कह सकते यू बराबर हो जाएगा 4x³। v बराबर देखा जाए कितना है तो -10x²y हो जाएगा, और अगर मैं k का कंपोनेंट देखूं तो w पता चल जाएगा जिसको मैं लिख सकता हूं 2t। ठीक है, तो मैंने देखिए रिलेशनशिप से बड़े आराम से कंपेरिजन करके u v w बता दिए। अब मुझे नेट वेलोसिटी पहले चाहिए, फाइंड वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी। तो ये पॉइंट जो 2.1.3 है, 2.1.3 है, इनको रख दीजिए। तो चलो फिर वैल्यू पुट कराते हैं। तो ये क्या मतलब है, देखो 2.1.3 पॉइंट है, मैं यहां लिख भी देता हूं साइड में कहीं कि पॉइंट लिखा हुआ है 2.1.3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मान है हमारा पहला वाला जो मान है वो मेरा एक्स होगा, दूसरा वाला जो मान होगा वो वाई होगा, तीसरा वाला जो मान होगा वो जेड होगा, और टाइम जो रखना है मुझे वो 1 सेकेंड रखना है। ठीक है, अगर टाइम कहीं आता है तो x 2 है तो 2 का क्यूब 8 और 8 * 32, तो पहला वाला मान पता चल गया मुझे 32 यूनिट, जो भी यूनिट दी जाए सवाल में उस हिसाब से 32। दूसरा वाला मान देखते हैं, x मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, समझते हैं ना आंसर। y 1 है y तो 4 और गुणे 10 कर दोगे तो ये माना जाएगा -40, u मेरा -40 आ गया ना। चलिए w निकालते हैं, W तो केवल W बराबर 2t है, तो t कितना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड है तो W बराबर 2 हो जाएगा। तो मैंने यहां पर देखिए अलग अलग वेलोसिटी निकाल ली, और बाय द वे मुझसे पूछी जाती है कि बताइए जरा नेट वेलोसिटी क्या होगी। मैंने अलग अलग वेलोसिटी है बता दिया आपको, U का मान भी बता दिया, V का मान भी बता दिया और W का मान भी बता दिया। अब यदि मुझसे पूछा जाता बताइए जरा सर नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए आप सबको पता है वही मैग्नीट्यूड अंडर रूट, तीनों का स्क्वायर काटे जोड़ दीजिए, 32² - 40² और प्लस हमारा 2², और साथ साथ जो है इसका अंडर रूट भी ले लीजिए। तो यहां से मुझे नेट वेलोसिटी पता चल जाएगी कि नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो भी रूट में, और रूट का भी हम लोग मान निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं कैलकुलेटर है मेरे पास, तो मैं बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो 32² + 40² मैं डायरेक्ट ही 40² लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि -40 और 40 के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं है, प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये मान काफी ज्यादा आ रहा है, 26 28, ये मान आ रहा है जाके अंडर रूट 26 28, लेटर इसका रूट लिया जा सकता है बिल्कुल आराम से, 51.2, तो मान पता चल गया आपको 51.28। तो ये जो मान पता चला ये मेरी नेट वेलोसिटी है, ये मान मेरा नेट वेलोसिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला वाला जो पार्ट है वेलोसिटी है ये आपको समझ में आई होगी। अब मुझे निकालना है एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन के लिए भी वही सेम पैरामीटर चाहिए। अब देखो यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्सेलेरेशन मुझे चाहिए तो एक्सेलेरेशन के लिए 3 पॉइंट चाहिए रहते, ax, ay और az। ठीक है, निकालते हैं एक्सेलेरेशन कैसे। तो एक्सेलेरेशन के लिए मुझे पहले ax चाहिए, फिर ay चाहिए, फिर az चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पर ही एक्सेलेरेशन का आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूं ताकि समझ में आ जाए ax बराबर, क्योंकि इससे रिलेट करना। अब एक बात बताओ, ax निकालते समय डिफरेंशिएशन किसका होता है, u का सबको पता है, u किस में फंक्शन है, केवल x में है,
तो एक्स वाला डिफरेंशिएशन वाला पद बस लेने की जरूरत है, मुझे कोई और पद लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले होता है यू, फिर डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, बस उसके आगे जो वाई के साथ डिफरेंशिएशन है, जेड के साथ, टी के साथ, वो सब जीरो होंगे, तो मुझे क्यों करना, क्या करना है लेटर। तो ए एक्स का फॉर्मूला ये लगाया जाएगा, ए वाई सोचा जाए क्या लगाया जाएगा, ए वाई। तो y में डिफरेंशिएशन किसका होता है, v का होता है, v का। तो v में कितने पद है, x और y दो पद है, तो x वाला भी चाहिए, y वाला भी चाहिए। तो u डिफरेंशिएशन v का होता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पहले x होगा प्लस, फिर u हो चुका है, अब यहां पर v, अभी भी डिफरेंशिएशन v का लेटर विद रिस्पेक्ट टू y, देख लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है ये ए वाई किया जा रहा है ना। और इसी तरह से W देखिए, तो W जो आपका डिफरेंशिएशन है वो केवल T के सापेक्ष है, तो मुझे T वाला ही पद चाहिए। तो आप कह सकते हो कि लास्ट में जो मेरा A Z इंटीग्रेटर, तो वो बड़े ही आराम से कहा जा सकता है डेवर W अपॉन डेवर T। आपने देखा था शुरुआत में मैंने AX, AY और AZ के बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े फॉर्मूले बताए, लेकिन इन तीन फंक्शन को देखकर मैंने अपने उन फॉर्मूलों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, क्लियर है। तो लगा देंगे हम लोग बड़े आराम से, है ना। हाँ ये तो हो चुका है, पहले एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आप देखिए, तो चलो फिर ax निकालते हैं, u को मुझे एक बार और लिखना पड़ेगा, u को एक बार और लिखना पड़ेगा। तो u था 4x क्यूब, ठीक, बस इतने से काम, 4x क्यूब, ठीक है। तो ax बराबर, तो फॉर्मूला बताया u डेवर u अपॉन डेवर x, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो u का मान है 4x क्यूब, अब चाहो तो u का मान जो अभी अभी आप निकाल चुके हो आप डायरेक्ट उसको भी रख सकते हो, है ना। u तो u का मान देखिए अभी अभी क्या निकाला था, u का मान निकाला था 32, वही चीज है, टोटल डिफरेंशिएशन के बाहर है। तो चाहो तो u का मान 32 रख दो, टोटल डिफरेंशिएशन के बाहर है, इनटू u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का हो गए, या फिर ऐसे दो लाइनें तो बढ़ ही रही हैं, तो क्यों ना हम लोग u, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब 3x स्क्वायर करोगे तो यहां आ जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। बस फिर u का मान रखिए, तो u का मान बताइए अभी अभी कितना बताया था, 32, और x का मान कितना था, 2, तो x का मान 2, u का मान 32, तो 32 गुणे 12 और गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करा दीजिए, तो ये मेरा जो मान पता चलेगा ये ax का मान पता चलेगा। ये न्यूमेरिकल जो है ऑब्जेक्टिव लाइट न्यूमेरिकल नहीं है, सब्जेक्टिव लाइट है, लेकिन मैंने इस न्यूमेरिकल को इसी वजह से लिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो 32 गुणे 12 गुणे 4, तो ये मान जाते आ गया 1536। तो ax का मान आ गया मेरे पास 1536 यूनिट, क्लियर है। तो मेरा x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन पता चल गया 1536। अब इसी तरीके से मैं y डायरेक्शन का भी एक्सेलेरेशन निकाल लूंगा, जिसको मैं ay कहूंगा, लेकिन ay निकालने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि v क्या है। तो v ये देख लीजिए -10x2y, तो v का मान है -10x2y। इसका मतलब ये है कि जब मैं ay का फॉर्मूला बनाऊंगा तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होना चाहिए, y के सापेक्ष भी होना चाहिए। तो फॉर्मूला चलिए बना देते हैं ay का। तो फॉर्मूला बनेगा u डेवर v अपॉन डेवर x प्लस v डेवर v अपॉन डेवर y, यही तो फॉर्मूला बनेगा। देख लीजिए डिफरेंशिएशन v का ही है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन u v पहले से, है ना। चलिए देखिए ay बराबर, चलिए u उसी तरीके से, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x सापेक्ष स्टार, तो x स्क्वायर का कितना होता है 2x, और जब 2x हो रहा तो ये मान हो जाएगा माइनस का 20xy प्लस। उसके बाद देखिए आ रहे हैं v, तो v उसी तरह रहने दीजिए, टोटल वैल्यू डायरेक्ट पुट करा देंगे। v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब इस v का विद रिस्पेक्ट टू y आया जाएगा तो y का 1 बाकी सब कांस्टेंट, तो ये माना जाएगा माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू देख लेते हैं, तो u का मान है 32, v का मान -40, x 2y 8, तो 32 माइनस 40 और 2 के बाद यहां कितना था 1, ठीक है। तो u का मान 32
माइनस 20, एक्स का मान 2, वाई का मान 1, प्लस वी का मान था माइनस 40, वी का मान माइनस 40, ठीक माइनस 40 यहां रखा, इंटू माइनस 10 और एक्स का मान था 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे भाई इस डेटा को आपको सॉल्व कराना पड़ेगा, तब कहीं जाके मुझे निकलेगा ए वाई। सॉल्व करा लेते हैं, कौन तो बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। तो कह सकते हो कि 20 दूरी 40 और 40 गुणे 32 कर दो बस आप, तो 1280, तो ये माइनस 1280 पहला वाला पद आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 चौथो 16 और 2 जीरो, 1 जीरो और लग जाएगा, 4 चौथो 16 ना, तो 1600 में से 1280 आपको घटाना पड़ेगा, तो 1600 माइनस 1280 320। तो वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलेरेशन आ गया मुझे वो 320 यूनिट आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से मुझे जेड डायरेक्शन का भी एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं कि जेड डायरेक्शन के एक्सेलेरेशन को यहां निकाल देते हैं, क्योंकि वो छोटा है, तो जेड डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, तो आप एक बात देखिए जरा, जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू हमारा केवल टू टी है ना, तो जेड डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन जो निकलेगा वो डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर टी से निकल आएगा, है ना, ए जेड बराबर। और बताइए जरा यहां पर डब्ल्यू बराबर टू टी है, तो डब्ल्यू बराबर जब टू टी रखोगे और टू टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी का होगा, तो ये ए जेड पता चल जाएगा 2। हमें टाइम की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, शुरुआत में वेलोसिटी निकालनी जरूर पड़ी थी, तो ये तीनों मान पता चल गया। अब मुझसे पूछा जाए बताओ जरा नेट वेलोसिटी, नेट एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, तो नेट एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा, अच्छा वेक्टर फॉर्म लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म लिखा जा सकता है, 1536 आई टैप प्लस 320 जे टैप और प्लस 2 आपका के टैप, लेकिन अगर नेट एक्सेलेरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1536 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर और प्लस मुझे 2 का स्क्वायर, इन तीनों को उठा के जोड़ना पड़ेगा, तब कही जाते नेट एक्सेलेरेशन निकलेगा, और फिर उसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा ना, तो कर लेते हैं 1536 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जोड़ दीजिए, काफी बड़ा डेटा है, छोटा नहीं है, अंडर रूट लेते लेते छोटा हो जाएगा, तो अंडर रूट लेने पर ये 1568.9 और यूनिट, ये इतना एक्सेलेरेशन मेरा आ जाएगा, ये मेरा एक्सेलेरेशन कहलाएगा नेट एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो पहला मेरा सवाल इसीलिए इतना बड़ा था ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया एक्सेलेरेशन का, उससे जो बहुत बड़ा फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को छोटा कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है, ये आपको समझ में आ सके, है ना, इसीलिए मैंने आपको सामने पहला सवाल थोड़ा सा लॉन्ग लिया था, ठीक है। तो सवाल की मेरी स्टार्टिंग यहां से थी, ये आंसर थे मेरे वेलोसिटी के, नेट वेलोसिटी ये थी, फिर एक्सेलेरेशन ए एक्स का आंसर ये था, एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन, जेड डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन और नेट एक्सेलेरेशन, ठीक। तो देखिए हम लोग के पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का, पहले क्वेश्चन में आपको काफी ज्यादा डिटेल में नॉलेज मिल चुकी है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग केस रिप्रेजेंट टू वेलोसिटी कंपोनेंट डिटरमाइन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कहा जा रहा है कि जो मेरे पास दो केस दिए गए हैं इन दोनों केस में दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, देख लीजिए इसमें यू वी है, डब्ल्यू पूछा जा रहा है, इसमें वी है डब्ल्यू है यू पूछा जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि डिटरमाइन थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच सेटिस्फाइड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मतलब जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे उस हिसाब से आपको ये तीसरा कंपोनेंट बताना है, और दोनों टेस्ट सॉल्व करने हैं, ये मुझे पहला वाला टेस्ट भी सॉल्व करना है और ये दूसरा वाला टेस्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। तो आप सबको पता है कि फॉर स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, तो स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है उसका सबको मान पता है क्या होती है, तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, डेवर u अपॉन डेवर x प्लस डेवर u v अपॉन डेवर y प्लस डेवर w अपॉन डेवर z इक्वल टू जीरो। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी ये मेरे कह सकते हो स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए थी। तो एक बार इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को मैं पहले वाले के लिए अप्लाई करूंगा
और एक बार दूसरे वाले के लिए अप्लाई करूंगा, तो बड़े ही आराम से मुझे तीसरा कंपोनेंट पता चल जाएगा बाय इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो चलो फिर एक बार मैं पहले वाले के लिए अप्लाई कर देता हूं। तो पहला वाला रिजल्ट को थोड़ा गौर से देखिएगा, बात यहां दूसरे वाले रिजल्ट की नहीं है, पहले वाले रिजल्ट को, क्योंकि मुझे पहले उसी को सॉल्व करना है। U बराबर इतना लिखा है, V बराबर इतना लिखा है। तो ये अगर इस वाले टेस्ट को मैं थोड़ा सा गौर करूं, क्योंकि मैं पहला वाला टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार बताइए अगर मैं यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराता हूं, देख लीजिए यहां पर, तो बाकी सब टर्म तो जीरो हो जाएंगे ना, तो यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा केवल और केवल टू एक्स प्लस। v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे भाई v का डिफरेंशिएशन मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y तीनों में है, देख सकते हैं y तीनों में है, तो y जब तीनों में है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y स्क्वायर टू y, तो कह सकते हो कि प्लस का हो जाएगा 2xy, फिर यहां पर y के सापेक्ष तो कह सकते हो माइनस का z स्क्वायर हो जाएगा, और y के सापेक्ष इसका भी, तो कह सकते हो कि प्लस हमारा x हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया है कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आया, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आया, ये y के सापेक्ष है आपका ना, तो और लास्ट में प्लस डेवर w अपॉन डेवर z रहेगा, तो मैं नीचे लिख देता हूं प्लस डेवर w अपॉन डेवर z शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताइए जरा, अगर इक्वेशन थोड़ा सा गौर से देखिए, तो इक्वेशन में 8 ये 2x और ये x जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 3xy माइनस z स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। और एक बात बताइए, जो प्लस डेवर w अपॉन डेवर z है, मैं उसको उधर भेज सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस डेवर w अपॉन डेवर z। ठीक, तो मैं यहां से मान जो निकालने वाला हूं वो डेवर w का है निकालने वाला हूं, तो देख लीजिए यहां से जो डेवर w का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो डेवर w बराबर, डेवर w बराबर, तो माइनस चिन्ह उधर जाएगा, साथ साथ dz भी उधर जाएगा, तो जब माइनस उधर जाएगा तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, तो जो मान आ जाएगा वो जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3xy, ये मान आ जाएगा, देख लीजिए। लेकिन साथ साथ कह सकते हो कि डेवर जेड रहे नहीं रहेगा, क्लियर है? तो मैंने क्या किया है कि डिफरेंशिएशन कराकर कुछ ये फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन रहे इंटीग्रेशन करा रहे, तो इंटीग्रेशन कराते समय भी वही नियम, मतलब जेड के सापेक्ष यदि पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है तो जेड को छोड़कर बाकी सबको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, जेड को छोड़कर बाकी सबको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। तो यहां डेवर डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो तुम्हारा डब्ल्यू हो जाएगा बराबर, अगर जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराया जाए तो आप सबको पता है कि एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, इसलिए जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड क्यूब बटे तीन हो जाएगा। अब बाद में वो जो 3x लिखा है 3xy लिखा है, इसमें तो कहीं z है नहीं है, इसका मतलब ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कराते हैं तो वहां कैसा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछा जाता है तो x बताते हो ना, और जो कांस्टेंट बाहर है वो बाहर ही रहता है, तो यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3xz और यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3xyz, और एक प्लस हो सकता है कि कोई नया कांस्टेंट c भी हो, तो ये जो मेरे पास मान आया ये मेरा मान कह सकते हो कि W का मान, कंप्लीट मान मेरे पास पता चल गया कि W का सर इतना मान आना चाहिए। ठीक है, ये मान सही है कि नहीं सही है इस बात की पुष्टि भी की जा सकती है। इन इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Z इतने के ही बराबर आना चाहिए या इतने के ही बराबर आना चाहिए, इतने के बराबर आना चाहिए, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ या माइनस इधर भेज दिया ना, मतलब ये डब्ल्यू का मान कुछ ऐसा होना चाहिए कि यू वी डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन आने पर ऐसे जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखिए पहला वाला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया कि यू वी अगर पता है तो डब्ल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह से मैं देखिए एक बार दूसरा वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करके दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दूसरे वाले पार्ट के लिए मुझे इस डेटा को लिखना पड़ेगा, वी बराबर लिखा हुआ है, अब ये सेकेंड पार्ट है, ये मेरा सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या क्या है। तो सेकेंड पार्ट में पहले तो v लिखा हुआ है 2y स्क्वायर
डब्ल्यू में लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है टू वाई स्क्वायर, डब्ल्यू कितना लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है टू एक्स वाई जेड, टू एक्स वाई जेड। परंतु जो मुझे पूछा गया है वो इस बार यू का मान पूछा गया है, देख लीजिए यू का मान, तो निकाल देते हैं यू का मान। तो मुझे कॉन्टिन्यूटी इटरेशन लगानी पड़ेगी, तो कॉन्टिन्यूटी इटरेशन क्या थी, कॉन्टिन्यूटी इटरेशन थी कि यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू जीरो। ये तो कॉन्टिन्यूटी इटरेशन है। तो पहला वाला टर्म मेरा उसी तरह से रहेगा, पहले वाले टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं क्योंकि मुझे यू पूछा आ रहा है, तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स तो उसी तरह से रहा, प्लस v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे भाई v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का दो। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कराओगे तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये माना जाएगा 4y कराते, देखिए w का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, ये बताओ जब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन कराओगे तो प्लस का टेबल बचेगा 2xy इक्वल टू 0, क्योंकि z का आउटलाइन है ना, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो यहां से मैं चाहूंगा कि डेवर u अपॉन डेवर x निकला, तो गलत नहीं होगा अगर मैं इसको डेवर यू यही रखूं और माइनस 4y प्लस 2xy और डेवर x ऐसा ले दूं, चेक कर लीजिए भाई पूरा टर्म उधर भेज दिया लेकिन माइनस ब्रैकेट के साथ लगाया है और डेवर है। अब इंटीग्रेशन करा दिया जाए दोनों तरफ, लेकिन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो यहां डेवर u का इंटीग्रेशन u, क्योंकि हमें u पता करना है, माइनस या माइनस अंदर भेज दे सकते विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है, तो पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा 4xy, क्योंकि 4y तो कांस्टेंट है और dx का x, माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2, तो जब x स्क्वायर बटे 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर y आ जाएगा, और प्लस कोई भी हमारा कांस्टेंट पद आ सकता है, वो 3, 4, 5 में आएगा कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ जेड में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपका ना, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। हाँ एक चीज, सॉरी एक चीज बता दू, यहाँ कांस्टेंट कौन कौन से आ सकते हैं, मैंने यहां नहीं बता पाया आपको, यहां जरूर सुन लीजिए कांस्टेंट क्या आ सकता है। देखो भाई यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो इसका मतलब एक्स को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, एक्स को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, ये कांस्टेंट फंक्शन ऑफ जेड भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट किसी तरीके की कोई नंबर हो सकती है, लाइक 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकती है। तो आपको मैं बता दूं चूंकि यहां इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है तो इसका मतलब एक्स को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट, तो एक्स का फंक्शन नहीं हो सकता बस ये, बाकी कोई भी फंक्शन हो सकता है। आप मान लो यहां अगर वाई स्क्वायर होता है इस कांस्टेंट की जगह किसी ने कहा सर वाई स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप यकीन ना है तो यहां वाई स्क्वायर रख लो और फिर इस फंक्शन को यहां लिखो और तीनों का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर कराओ, देखना जीरो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन अगर यहां वाई स्क्वायर भी करते हो आप तो डिफरेंशिएशन कराओगे डेवर यू निकालोगे तो ये डिफरेंशिएशन तो जीरो हो ही जाएगा ना। तो आपने ये जाना कि जब मैंने एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन कराया है तो एक्स को छोड़कर कोई भी फंक्शन आ सकता है, वो फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है कांस्टेंट, वो फंक्शन ऑफ जेड भी हो सकता है, ठीक है, कई बार हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन बन जाए, कोशिश करिएगा गलत ना हो। तो मेरा ये जो सवाल था वो बहुत सीधा साधा सवाल था कि दो मेरे पास दिए रहे थे यू वी डब्ल्यू में से कोई दो मान दिए रहे थे और तीसरा मान आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है, बहुत आसान सवाल। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ए फ्लो फील्ड इज गिवन बाय, अच्छा फ्लो फील्ड दी रही है तो मैं फ्लो फील्ड को डायरेक्ट ना लिखकर मैं इसको यू वी के पदों में लिख लेता हूं, तो यू दिया गया है एक प्रकार से एक्स स्क्वायर वाई, वी दिया गया है तुम्हारा वाई स्क्वायर जेड, वी दिया गया है वाई स्क्वायर जेड, और डब्ल्यू दिया गया है आपका माइनस और आगे है टू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास यू वी डब्ल्यू के मान दिए गए, फिर आगे लिखा है देन प्रूव दैट इज ए टेस ऑफ स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल, इट इज अ टेस ऑफ, यहां इट लिखा होना चाहिए, इट इज द टेस ऑफ स्टडी एंड, यानी स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो रेट टेस है कि नहीं ये प्रूफ करना है आपको, है,
और फिर कहा जा रहा है कि वेलोसिटी भी बताइए एट पॉइंट 2, 1, 3। तो वेलोसिटी तो बड़े आराम से बताई जा सकती है, वेलोसिटी तो बड़े आराम से बताई जा सकती है। ये वेलोसिटी कैसे भाई, आपको एक्स और वाई और जेड का मान भी तो बताना है। तो एक्स का मान देखिए 2 है और वाई का मान 8 है, तो 2 × 2 = 4 × 8, तो कह सकते हो कि ये वेलोसिटी 4 यूनिट आएगी। वी वाई स्क्वायर हो तो वाई का मान 8 है, तो 8 × 2 कोई मतलब नहीं। जेड 3 है तो 8 × 3 ये 3 आएगा। यहां देखिए, यहां लेकर देखिए पहले से माइनस लगा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो माइनस तो आएगा। अब देखिए 2x हमारा 2 है तो 2 × 4 y, अच्छा एक्स वाई जेड 3 × 6 × 12 ये 12 हो गया, प्लस वाई जेड स्क्वायर, वाई 1 है जेड 3 है, तो 3 × 9 और 9 × 8 कह सकते हो 9 ही आएगा। तो ये जो मान आ जाएगा आपका फाइनली w का जो मान है सॉल्व करा लीजिए, तो 12 माइनस 9 जोड़ दीजिए तो -21। तो अलग अलग पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी पता चल रही, यू वी डब्ल्यू के मान पता चल रहे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए नेट वेलोसिटी बताइए सर क्या है, तो वही सेम फंडा, तीनों को स्क्वायर काट के जोड़ दीजिए, अंडरवुड ले लीजिए। चलिए फिर मैं तीनों को स्क्वायर काट के जोड़ देता हूं, 4 × 2 + 3 × 21 क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो इसको पूरा जोड़ने पर जो मान आएगा वो 466 आ जाएगा। ठीक है, अंडरवुड भी ले लेते हैं, 466 का अंडरवुड, तो ये माना जाएगा 21.58। ठीक, तो ये मेरे पास नेट वेलोसिटी पता चल रही। लेकिन नेट वेलोसिटी के साथ साथ इन्होंने ये पूछा था कि प्रूफ कीजिए कि ये तुम्हारा स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का केस है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखते। तो स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए आपको डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई प्लस डेवर डब्ल्यू अपॉन डेवर जेड शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे भाई अगर यहां यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो ये मान आ जाएगा तुम्हारा 2xy, पहला वाला मान, प्लस वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई तो जब यहां वाई के सापेक्ष आओगे तो ये माना जाएगा तुम्हारा 2yz, चेक करते जाना। डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा। W का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, जब जेड के सापेक्ष यहां डिफरेंशिएशन कराओगे तो यहां 2xy जेड का वन और यहां प्लस 2yz, क्योंकि जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा, तो ये माना जाएगा माइनस 2xy प्लस 2yz, चेक कर लीजिए। अब एक बात बताइए, ये पैरामीटर देख के आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये पैरामीटर ये इससे ये इससे ये इससे, तो कंफर्म ये मान तुम्हारा 0 आ गया। तो 0 आ जाने का यही मतलब हुआ, 0 आ जाने का यही मतलब हुआ कि ये जो टेस्ट है आपका, ये आपका स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का टेस्ट है, स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो ये जो डेटा दिए गए थे ये स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो को सेटिस्फाइड करते हैं, बात समझे ना। तो मैंने कोशिश की है कि जो आपने वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पढ़ा उस पर छोटे छोटे सवाल, अच्छा ये सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे अभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जाने से पहले आपको यहाँ ये नोट्स में भी होने चाहिए ताकि आप कभी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आपके सामने ये सवाल आ जाए, अच्छा ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है उसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। आप सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, डेफिनेशन से पहले मैं एक छोटी सी बात फिर से आपको बता दूं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन हो रही, ये वाई डायरेक्शन हो रही और ये जेड डायरेक्शन हो रही। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को मैंने अपनी तरफ से यू लिया हुआ था हर बार, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को वी लिया हुआ था और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी को डब्ल्यू लिया हुआ था। ये बात आपको पता है ना। और ये जो तीनों वेलोसिटियां होती है ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये तीनों वेलोसिटी एक्स का भी कंपोनेंट हो सकती है, एक्स पर भी डिपेंड कर सकती है, वाई पर भी, जेड पर भी। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये होती है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की, इट इज डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन, मतलब ये मेरा एक प्रकार का स्केलर फंक्शन होता है, इसमें आई जे टे नहीं होगा, सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन,
such that its negative derivative with respect to any direction gives velocity of fluid in that direction. मतलब ये है कि ये phi कुछ एक ऐसा function होगा कि यदि इसका आप negative derivative लेते हो with respect to any direction, तब आपको उसी direction की क्या मिल जाएगी, velocity, drift velocity of fluid in that direction, उसी direction की. लेकिन कौन सा derivative लेना है आपको, negative derivative लेना है. Clear है? अब इस बात को समझिए. जैसे भी मैंने कहा phi मेरा scalar function है और वे x y z का function हो सकता है. तो मैंने कहा कि phi का आपने negative derivative लिया with respect to x, ये तो ये phi का negative derivative with respect to x है, x direction है, तो उसी direction की velocity मिलेगी ना. That means ये मान मेरा u के बराबर हो जाएगा. उसी तरह से यदि मैंने phi का negative derivative y direction में लिया होता तो ये मेरा उसी direction की velocity, that means v के बराबर हो जाता. और यदि मैंने phi का negative derivative with respect to z direction लिया होता तो ये मेरी उसी direction की value मतलब w के बराबर हो जाता, velocity w के बराबर हो जाता. तो आप लोग के सामने ये तीन फॉर्मूले निकल के आ गए phi के और कह सकते हो कि u v w के पदों में. तो आप सबको पता होना चाहिए कि यदि मैं phi दे दूं x y z के पदों में तो आप बड़े आराम से u v w निकाल सकते हो. लेकिन ध्यान रखना u का जो मान होगा वो डेवर phi अपॉन डेवर x के माइनस के बराबर होगा, माइनस डेवर phi अपॉन डेवर x, v माइनस डेवर phi अपॉन डेवर y, w माइनस डेवर phi अपॉन डेवर z. क्लियर है? तो ध्यान रखना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एक ऐसा स्केलर फंक्शन होता है जिसका नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन आपको उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी बताता है बट विद माइनस साइन. क्लियर है? ठीक है. तो मैंने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को अप्लाई करके बताया, डेफिनेशन बताई. अब मुझे करना क्या है कि इस वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पे एक बार इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा के देखनी है. तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा के देखते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या रिजल्ट निकलता है. तो जरा ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जब भी तभी किसी भी फ्लो को एडजस्ट करना होता है, जब भी तभी किसी फ्लो को एडजस्ट करना होता है तो उसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फुलफिल करना पड़ेगा तभी आपका कह सकते हो कि फ्लूड फ्लो पॉसिबल होता है. ठीक है? तो मैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी phi के पदों में लगाने जा रहा हूं. अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी फॉर स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो इसके लिए क्या निकल के आई थी. तो आप सबको पता है कि इसके लिए इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी निकल के आई थी डेवर u अपॉन डेवर x प्लस डेवर v अपॉन डेवर y प्लस डेवर w अपॉन डेवर z शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी थी. लेकिन अभी अभी मुझे एक रिजल्ट पता चला कि सर u जो हो रहा वो माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स के बराबर होगा. u माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स के बराबर लगा दीजिए. u माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स, मेरे भाई ये u माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स, v माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई, w माइनस डेवर फाइव अपॉन डेवर जेड. तो सबसे भैया मेरे माइनस कॉमन हो जाएगा. अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डेवर टू फाई, और क्योंकि यहां डेवर यू डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स था इसलिए डेवर टू फाइव अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस यहां बचेगा डेवर टू फाइव अपॉन डेवर वाई स्क्वायर डेवर टू फाइव अपॉन डेवर जेड स्क्वायर. आप चाहो तो u का अगर आप एट स्टेप पे, वैसे एट स्टेप ड्राइव हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा ना. u का मान जब आप रखोगे तो आप कह सकते हो कि नीचे भी तो x ही था ना इसलिए डेवर x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो. तो माइनस का कोई रोल ही नहीं है, माइनस का कोई रोल ही नहीं है. तो जब माइनस का कोई रोल नहीं है तो आप ऐसा भी कह सकते हो इक्वेशन निकल जाएगी डेवर टू फाइव अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर टू फाइव अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर टू फाइव अपॉन डेवर जेड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो. क्लियर कीजिए, क्लियर है? हाँ, इसी का कई बार एक फॉर्म और भी होता है. कई लोग इसको क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं. मैं साइड में लिख के बता देता हूं, यहां लिख के बता देता हूं. होता क्या है कि अगर सबसे फाइव को कॉमन ले लिया जाए
तो अंदर जो टर्म बचेगा वो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। इसको वो लोग डेल स्क्वायर भी लेते हैं, तो डेल स्क्वायर फाइव शुड बी इक्वल टू जीरो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। हाँ, कोई पूछे कि सर ये डेल स्क्वायर का मान बता दो जरा हमें, कि डेल स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉरी उल्टा है, उल्टा ट्रायंगल है डेल स्क्वायर, तो जो डेल स्क्वायर का मान होगा वो डेवर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर और प्लस डेवर टू अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। इस डेल स्क्वायर को बोलते हैं लाप्लास ऑपरेटर, ध्यान रखना इस बात को, इस डेल स्क्वायर को बोला जाता है लाप्लास ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जब किसी तरह के डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग, तो उसको नाम देते हैं लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखाओ चाहे इस फॉर्म में लिखाओ, तो ये सफिशियंट कंडीशन है फॉर फाई और कह सकते हो फॉर स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल, यानी किसी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को स्टडी और इनकॉम्प्रेसिबल इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को फुलफिल करना है तो इसको होल्ड करना ही पड़ेगा है। तो कह सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन फॉर स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक, एंड फ्लूड फ्लो इज पॉसिबल। जब आपका ये कंडीशन होल्ड करेगी तब फ्लूड फ्लो आप माना जाएगा कि वो हमारा कैसा होगा, पॉसिबल होगा। तो फ्लूड फ्लो को कह सकते हो कि पॉसिबल बनाने के लिए इस कंडीशन को होल्ड करना जरूरी है फॉर फाई, फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और ध्यान रखना ये जो इक्वेशन लिखी जाती है इस इक्वेशन को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है ना ये इक्वेशन को बोला जाता है भैया लाप्लास इक्वेशन, ये भी आपको याद रखना है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए लाप्लास इक्वेशन क्या है, तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी होगी वो लाप्लास इक्वेशन होगी। डेल ये समझ लीजिए जब ये लाप्लास ऑपरेटर लगा होगा फिर उसके आगे फाई लिखा हो, उसके आगे साइन लिखा हो, उसके आगे एफ लिखा हो, वो सब लाप्लास इक्वेशन है ना। ऑपरेटर बस आपका लाप्लास ऑपरेटर लगा होना चाहिए तो वो लाप्लास इक्वेशन। तो किसी भी फाई को अगर फाई को एडजस्ट करना है, ध्यान रखना फाई को एडजस्ट करना है आपका, तो आप कह सकते हो कि उसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि फाई मे और मे नॉट एडजस्ट, मतलब फाई एडजस्ट भी कर सकता है और फाई एडजस्ट नहीं भी कर सकता। अगर फुलफिल करेगा इस कंडीशन को तो एडजस्ट करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन आगे चलते एक फंक्शन और मिलेगा जिसको बोलते हैं साइन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, सॉरी स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं इसको। तो जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो हमारा इक्वेशन और क्वांटिटी को हमेशा होल्ड करता है, इसलिए ये फंक्शन ऑलवेज एडजस्ट करता है। तो ध्यान रखना है साइन ऑलवेज एडजस्ट करता है, लेकिन फाई उसी समय एडजस्ट करेगा, उसी समय एडजस्ट करेगा जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए फिर अब इसी बात पे आधारित कुछ सवाल और देख लेते हैं। हालांकि मैंने ये जो बात आपको अभी अभी बोली दो मिनट पहले एडजस्ट वाली, ये बात मैं आगे चल के आपको फिर से बताऊंगा जब मैं आपको स्ट्रीम फंक्शन पढ़ा दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन को जब आप उसकी कंपेरिजन में स्टडी करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो ये बात मैंने आपको बता दी, एक बार जरूर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए सब लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, ये तो अगली स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। द वेलोसिटी क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है कि फाई का जो मान है वो दिया गया है और कहा जा रहा है कि फाइंड यूवीडब्ल्यू, यूवीडब्ल्यू मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट पता करने है 1, 2 एंड प्रूफ दैट दिस फंक्शन सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन। कहा जा रहा है कि और प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई पहले तो फाइव को लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो माइनस एक्स वाई क्यूब बटे 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बटे 3 एक्स क्यूब वाई बटे 3 और प्लस वाई स्क्वायर। मैंने देखिए यहां पर फाइव को लिख लिया, अब मुझे करना कुछ नहीं है, यहां से फाइव के दो डिफरेंशिएशन निकालने, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले फाइव का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू मैं एक्स निकाल लेता हूं, एक्स सापेक्ष अवकलन, बड़ा ही आसान है, एक्स सापेक्ष अवकलन टाना है तो टा दीजिए बड़ी। तो यहां पहले वाले टर्म का हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बटे 3 एक्स का वन, दूसरे वाले टर्म का हो जाएगा माइनस 2 एक्स
तीसरे वाले टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आना है, ये ध्यान रखना। तो जैसे ही एक्स आप एक्स्ट्रा हो रहे तो एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर लेते, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस, और भैया एक्स आप एक्स्ट्रा रहे हो तो वाई स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है जीरो। बट ये जो मान है मेरा, ये मान आपको पॉइंट में भी तो निकालने हैं, वन कॉमा टू पे निकालने, तो वन कॉमा टू पे निकाल लीजिए। तो एक्स का मान वन और वाई का मान दो, एक्स का मान वन वाई का मान दो, तो वाई का मान दो, तो दो का क्यूब कितना हो जाएगा आठ, तो कह सकते हो कि पहला मान आ गया माइनस आठ बटे तीन, एक्स का मान वन है तो माइनस टू एक्स यानी टू, एक्स का मान वन है वन रखोगे और वाई का मान दो है तो प्लस दो रखेंगे, देख लीजिए। अरे भाई वाई दो है ना और एक्स वन है, तो जैसे ही आपने सॉल्व कराया तो आपका कह सकते हो रिजल्ट के तौर पर यह टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना टेबल माइनस आठ बटे तीन ये बचा। तो कह सकते हो कि माइनस आठ बटे तीन, अभी देखिए इन्होंने वेलोसिटी कंपोनेंट यू पूछा हुआ था, लेकिन मैंने अभी बस मान निकाला है। इसी तरीके से मैं एक मान और निकाल लूं पहले, फिर आगे कैलकुलेशन कर लूंगा। डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई का मान और निकाल लेता हूं, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे भाई जब वाई के सापेक्ष हो रहे तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री वाई स्क्वायर, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो मान आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर जीरो क्योंकि वाई के सापेक्ष है, लेकिन जब वहां वाई के सापेक्ष हो रहे तो प्लस एक्स क्यूब बटे तीन वाई का मान डिफरेंशिएशन वन और प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा मेरा टू वाई बराबर। अब एक बात बताइए, ये मान आपको पता चल गया, अब एक्स का मान वन रख दो, वाई का मान दो रख दो, एक्स का मान वन, एक्स का मान वन, तो एक्स का मान जैसे ही तुम वन रखोगे तो वन, दो का मान वाई का मान दो, तो पहला मान आ जाएगा माइनस चार और एक्स का मान वन तो प्लस एट बटे तीन जाएगा, और कह सकते हो वाई का मान दो है तो वाई का मान दो है तो कह सकते हो दो दूनी चार प्लस चार, तो यहां से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे ही आप इस वैल्यू को कैंसिल आउट करोगे तो प्लस एट बटे तीन ये मान मिल जाएगा मुझे बस। तो यहां मैं साइड में लिख देता हूं कि डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स का जो मान था वो माइनस यू के बराबर था, और जबकि डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई का जो मान था वो माइनस वी के बराबर था। ये मैंने डेफिनेशन बताया था आपका, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स जो था वो हमारा माइनस यू, डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई माइनस वी, ठीक है। अब एक बार बताओ डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स कितना मान निकला, माइनस आठ बटे तीन, तो माइनस आठ बटे तीन है तो यहां माइनस आठ बटे तीन रखो इसका मान, तो माइनस आठ बटे तीन रखा जाएगा, तो यहां से कन्फर्म मिल जाएगा आपको यू का मान, तो यू का मान मिल गया आपको आठ बटे तीन, ये पहला मान मिल गया। उसी तरह से डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई निकाला जाए तो डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई देखिए कितना आया, प्लस एट बटे तीन आया, प्लस एट बटे तीन, तो ये मान मेरा प्लस एट बटे तीन आया है, तो इसके मैं बराबर प्लस एट बटे तीन कर दू, परंतु वी का मान निकाला जाएगा तो वी का मान निकला जाएगा माइनस एट बटे तीन। तो देख लीजिए दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट मैंने निकाल लिए, u का मान प्लस आठ बटे तीन, वी का मान माइनस एट बटे तीन, चेक कीजिए। तो आप सब लोगों को ये तरीका पता होना चाहिए, वैसे ये फंक्शन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इतना टाइम लगा, ऑब्जेक्टिव में जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें फंक्शन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत इजी फंक्शन होता है, तो वहां पर डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी हम लोग करा देंगे, है ना। तरीके पता होने चाहिए बस आपको, है ना। तो मैंने क्या किया, डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स पहले निकाल लिया, इसी तरह से निकाल लिया, फिर डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स को माइनस यू के बराबर किया और डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई को माइनस वी के बराबर किया, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक और बात पूछी थी, यू वी तो पता चल जाए और डब्ल्यू मिलेगा नहीं, क्यों नहीं डब्ल्यू मिलेगा, क्योंकि जेड है नहीं है। अच्छा अच्छा डब्ल्यू इन्होंने कहा भी था डब्ल्यू, तो कोई बात नहीं, लास्ट में आप कह सकते हो कि डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डब्ल्यू कहा था इन्होंने। आगे लिखा था प्रूव दैट दिस फंक्शन सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन, कहा जा रहा है यह भी सिद्ध कीजिए कि यह फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो भैया मेरे जेड तो कहीं है नहीं है, तो लाप्लास इक्वेशन देखिए क्या बननी चाहिए, तो इसके लिए लाप्लास इक्वेशन जो बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जेड तो है नहीं है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं, यही मेरी लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन। तो कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये इसको प्रूफ करता है, मतलब सेटिस्फाइड करता है। तो पहला वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, यही थोड़ी देर पहले देखिए मैंने यही तो बताया, लाप्लास इक्वेशन, ये लाप्लास इक्वेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू फाई, फाई के सापेक्ष, ठीक है। तो मैंने कहा फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार,
फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई दो बार, अब फिर आप कह सकते हो कि दोनों का योगफल जीरो होना चाहिए। तो फाई टू मैं लिख लेता हूं साइड, तो फाई का ये मान था, ये मान था, तो इस मान को मैं कहीं आगे लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो फाई का जो मान था वो माइनस एक्स वाई क्यूब बटे तीन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब बटे तीन प्लस वाई स्क्वायर, मे बी शायद हो सकता है सही हो, एक बार मैं चेक जरूर कर लूंगा। माइनस एक्स क्यूब बटे तीन माइनस एक्स क्यूब बटे तीन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहां कर देते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई एक्स क्यूब बटे तीन वाई एक्स क्यूब बटे तीन और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सही। अब करना क्या मुझे, यहां दो बार डिफरेंशिएशन कराना है। अभी सिचुएशन को देखिएगा, मान मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करा दूं या फिर हो सके तो चलो दो बार करा ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स निकालते हैं पहले, यानी एट बार एक्स सापेक्ष। तो भैया मेरे जब एट बार डिफरेंशिएशन कराओगे तो ये मान हो जाएगा माइनस वाई क्यूब बटे तीन माइनस टू एक्स, एट बार करा रहा है केवल एट बार, एट बार, और एक्स सापेक्ष वो भी, और प्लस का ये मान जब एक्स सापेक्ष कराया जाएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर ले, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वाई एक्स स्क्वायर, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार और कराना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करा दीजिए एक बार और। तो एक्स सापेक्ष कराया जाएगा, अब ये जीरो, ये तो जीरो, तो माइनस दो आ जाएगा, माइनस दो, और यहां जब एक्स सापेक्ष कराया जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई। तो ये मान मेरा पता चल गया, डेवर टू फाइव अपॉन डेवर, कह सकते हो कि डेवर फाइव टू फाइव अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, ये मान पता चल गया। इसी तरह से मुझे फिर से यहां से दो मान पता करने होंगे, एक डेवर टू सॉरी डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई पता करना होगा सबसे पहले, तो वाई के सापेक्ष। तो मेरे भाई जब वाई के सापेक्ष करोगे तो यहां वाला टर्म देखिए, तो यहां वाला टर्म जब वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री वाई स्क्वायर, तो थ्री से थ्री कैंसिल, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो जीरो टोटल विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के सापेक्ष आना है, तो प्लस का एक्स क्यूब बटे तीन और प्लस वाई स्क्वायर के सापेक्ष, वाई का सापेक्ष वाई स्क्वायर का टू वाई, तो ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई मेरा निकल के आगे, लगभग वही फॉर्म चल भी रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह से एक बार और डिफरेंशिएशन करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जैसे ही एक बार और कराओगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहां आ जाएगा माइनस का टू एक्स वाई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई टाना है तो ये टर्म जीरो इस बार हो जाएगा, ये टर्म जीरो टोटल वाई नहीं है, और जब यहां टाया जाएगा तो प्लस टू, देख लीजिए। तो ये जो मान निकल के आया मेरे पास, ये मान निकल के आया डेवर टू फाइव अपॉन डेवर वाई टू। अब दोनों मान को थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर इन दोनों मान को उठा के जोड़ा जाए, इन दोनों मान को उठा के जोड़ा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड अगर बनाना हो देख लीजिए तो राइट हैंड साइड जीरो बनेगा। इसका मतलब ये जो आपका मान फाइव का दिया हुआ था, ये मान इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो जब भी कभी सेटिस्फाइड करने वाले सवाल होंगे वो हमारे इस तरह से लगाए जाएंगे, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना। अच्छा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना कहता तब भी यही सेम चीज है, और ये कहता कि इट इज अ केस ऑफ स्टडी फ्लो, स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, तो भी यही केस है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो ये सवाल मेरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फिर से दिया हुआ है और कहा जा रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी कंपोनेंट एट 4.5। इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइव का मान दिया हुआ है, फाइव का मान दिया हुआ है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह मान दिया गया, लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेलोसिटी कंपोनेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, डिटेल लेने बड़े आराम से। क्या करना रहता है आपको, सबसे पहले डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स निकालना होता है सबसे पहला काम। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कराओ तो कहो टेन एक्स मिलेगा, मिलेगा टेन एक्स मिलेगा वाई का टू एक्स है ना, तो एक्स का मान कितना है चार, एक्स का मान चार, चार रखोगे तो कितना मिलेगा चालीस। परंतु डेवर फाइव अपॉन डेवर एक्स बराबर किसके होता है माइनस यू के, माइनस यू के, लेकिन वैल्यू तो हमें यूटी चाहिए ना, तो आप कह सकते हो कि यहां से जो यू का मान निकले रहा ये यूटे इसको यहां बराबर लगाना चाहिए, ये बराबर होता है माइनस यूटे, और जैसे ही माइनस यूटे बराबर होगा
तो कह सकते हो कि यू का मान निकाला जाएगा तो -40, ये पहला मान निकल जा रहा है। अब इसी तरह से डेवर फाई अपॉन डेवर वाई निकाल लेते हैं एक बार। तो जैसे ही आप लोग डेवर फाई अपॉन डेवर वाई निकालोगे, देखते जाइए ना भाई सब लोग, तो फाई का वाई के सापेक्ष तो -10y, देखो वाई का मान देखिए कितना है, तो वाई का मान है 5, ये देखिए ये है वाई 5, तो वाई 5 है, तो ये मान कितना हो जाएगा -50। परंतु ये जो मान -50 है इसको किसके बराबर करोगे, डेवर फाई अपॉन डेवर वाई -v के बराबर होता है, -v के, तो ये -v के बराबर कर दिया। तो भैया माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो जहां से जैसे ही इससे कहा जाए बताओ जरा v कितना होगा, तो v का मान आ जाएगा +50 यूनिट है, ठीक है। तो देख लीजिए डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स ही पता चल गया, डेवर फाई अपॉन डेवर है कुछ नहीं भाई साहब, बस डिफरेंशिएशन है, टेबल डिफरेंशिएशन, अगर आपको आता है बढ़िया से तो बड़े आराम से आप डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप लोग को यह बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से हम लोगों को कन्वर्ट करना है फाइ को, वेलोसिटी का मान निकालना है, वी का मान निकालना है, यू का मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग के पास एक नेक्स्ट और हेडिंग आती है, उसको भी देखते हैं, उस हेडिंग को क्या बोलते हैं, इस हेडिंग को बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम फंक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग स्ट्रीम फंक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो लिखा हुआ है स्ट्रीम फंक्शन, पहले अच्छा स्ट्रीम फंक्शन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए भाई ये मेरी रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस और ये रही जेड एक्सिस, मैं स्ट्रीम फंक्शन है आपको समझाने जा रहा हूं। स्ट्रीम फंक्शन की परिभाषा होती है कि इट इज द डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा स्ट्रीम फंक्शन को पहले डिनोट किससे करते हैं ये भी सुनिए, स्ट्रीम फंक्शन को डिनोट किया जाता है साइन से, ये मेरा साइन है, साइन त्रिशूल जैसा, जो त्रिशूल जैसी आकृति होती है उसी को साइन कहते हैं। तो स्ट्रीम फंक्शन इज अ डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट एट राइट एंगल टू दैट डायरेक्शन। मतलब कहा जा रहा है कि यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कराते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा कि मैंने साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया, तो मुझे वेलोसिटी तो दे रहा, परंतु कहां की वेलोसिटी दे रहा, राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वहां की वेलोसिटी मिलेगी, समझते जाना भाई ध्यान से। तो मेरे भाई एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, अब एक बात बताओ एक्स डायरेक्शन ये है तो इसके परपेंडिकुलर वाई भी है, इसके परपेंडिकुलर तुम्हारा जेड भी है, तो कौन सी वेलोसिटी लिखे, वाई वाली लिखे, वाई वाली का मतलब वी, कि जेड वाली लिखे, जेड वाली का मतलब डब्ल्यू। इस कंफ्यूजन को क्रिएट, भाई देखो यहां कंफ्यूजन हो रही कि यहां साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आया तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी, तो परपेंडिकुलर वी लिखे कि डब्ल्यू लिखे। तो इस कंफ्यूजन के लिए होता क्या है कि जो स्ट्रीम फंक्शन होता है वो टेबल ऑफ टेबल 2D फ्लो के लिए डिफाइंड होता है। तो ध्यान रखना स्ट्रीम फंक्शन टेबल ऑफ टेबल 2D फ्लो के लिए डिफाइंड होता है, 3D के लिए नहीं। हाँ अगर ये 2D फ्लो होता दैट मीन्स ये जेड एक्सिस ना होती तो मैं जरूर बता देता, तो मैं जरूर बता देता, लेकिन उस बात को बताते समय भी एक छोटी सी कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन क्या है, तो ध्यान रखना राइट एंगल किसी एक्सिस के राइट एंगल दो एक्सिस आ सकती है, इसलिए दो वेलोसिटी आ सकती है, इसलिए ये फंक्शन आपका केवल 2D में डिफाइंड होता है। आगे बात सुनिए, एक्स डायरेक्शन ये माइनस एक्स डायरेक्शन ये माइनस वाई डायरेक्शन, आप सबको पता है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है यू, वाई डायरेक्शन की होती है वी, माइनस एक्स डायरेक्शन की माइनस यू और माइनस वाई डायरेक्शन की माइनस वी, ये बात सबको पता है, ठीक है। आगे सुनिए, तो मैंने आपको अभी कहा कि अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन यानी स्ट्रीम फंक्शन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराते हैं तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी इस एक्सिस के, तो भैया मेरे अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जैसे कि इस पॉइंट के अबाउट तुमने डिफरेंशिएशन कराया एक्स एक्सिस के अबाउट, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी लेना है कि माइनस यू लेना है। अब यहां एक और कंफ्यूजन हो रही, भाई दोनों तो परपेंडिकुलर है तो मुझे एक डायरेक्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं या तो क्लॉकवाइज चलूं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए किसके बराबर हो जा रही है, वी के बराबर हो जाएगा पहला फॉर्मूला अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो, और दूसरा यदि साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई का आ दिया जाए, वाई का आ दे तो वाई से भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज,
तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा, तो देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज जाने पर मुझे माइनस यू के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हो कि ये माइनस यू के बराबर, ये दूसरा फॉर्मूला। तो एक तो कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉकवाइज चलता है जो कि इस फॉर्मूले पर काम करेगा। लेकिन बाय द वे अगर मैं क्लॉकवाइज चलता, क्लॉकवाइज चलता तो यहां से क्लॉकवाइज चलता, तो यहां से अगर क्लॉकवाइज चलता तब ये डेवर साइन अपॉन डेवर एक्स जो होता वो माइनस वी के बराबर होता। अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज चलता तो माइनस वी के बराबर होता। और उसी तरीके से कह सकते हो कि डेवर साइन अपॉन जब डेवर वाई निकालता लेकिन यहां माइनस वाई हो जाता तो वो प्लस माइनस यू और प्लस कैंसिल हो जाता, तो दूसरा जो रिजल्ट आता डेवर साइन अपॉन डेवर वाई का वो